Judas, who are we? तो भाई हमारी प्यारी पबजी बैन हो चुकी है, तो भाई प्ले स्टोर से हट गई है। वो अभी इसके सर्वर ब्लॉक नहीं हुए, वो भी हो जाएंगे एक दो दिन में इसका सर्वर ब्लॉक। लेकिन भाई जिसने भी अभी तक अपने फ़ोन से डिलीट नहीं करी ना, कर दो भाई। देश से प्यारी नहीं है हमें गेम, हमें देश प्यारा है, गेम प्यारी नहीं है। वैसे भाई एक चाइनीज़ गेम ने हमें कितना अपना आदि बना लिया था, देख सकते हैं हम। अगर हमारे आगे जाके कुछ विवाद हो जाते तो वो पक्का हमारा माइंड डाइवर्ट कर सकती थी। भाई मेरे विचार तो यही है भाई। देखो हमारे बॉर्डर पर कितने जवान शहीद हो रहे हैं सिर्फ चाइनीज़ लोगों की वजह से। चाइनीज़ लोग उन्हें मार रहे हैं भाई। जिन लोगों को नहीं पता भाई, तिब्बत को वो हथियाना चाहते हैं, जो कि ओबियसली हमारा है, हमारी ज़मीन पर वो हमला करना चाहते हैं, हमारी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हमारे प्यारे जवान। तो भाई हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा थोड़ा सा, हमारी गवर्नमेंट के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो हो रहा है भाई ठीक हो रहा है, लेकिन भाई चिंता मत करो, अभी गेमिंग कम्युनिटी ख़त्म नहीं है भाई। पबजी से तो स्टार्ट हुई थी गेमिंग कम्युनिटी, अगर स्टार्ट ख़त्म हो जाए तो वो एंड नहीं होता भाई, ठीक है। तो अगर एक रास्ता बंद हुआ है ना भाई, तो कई रास्ते खुले हैं हमारे लिए। तो अगर पबजी बंद हुआ तो उसके साथ हमारी इंडियन गेम 4G लॉन्च हो रही है, जो अक्षय कुमार लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, अगर अच्छी लगे तो खेलेंगे ज़रूर। और अपने देश की गेम है, इसका 20% हिस्सा हमारे आर्मी लोगों को जाएगा, तो भाई अपनी आर्मी स्ट्रांग होगी। देखो भाई उनको खेलते थे, हम उनको देते थे पैसे, करीब से करीब $26 बिलियन का नुकसान हुआ है उन्हें सिर्फ एक दिन में ही। तो भाई देख सकते हो, अगर हम ये 4G गेम खेलें तो हमारे देश में कितना पैसा रहेगा, और GDP गिर गई है भाई हमारे देश की, तो वो भी शायद थोड़ी सी उठ जाए। तो भाई यहाँ पे अपने देश को कोऑपरेट करना चाहिए। तो भाई मेरे विचार तो यही है इस गेम में, बाकी एक दो दिन में सर्वर ब्लॉक हो जाएंगे पबजी के, चिंता मत करो। और भाई ऐसा नहीं है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी अच्छी गेम है, वो भी ट्राई करेंगे भाई, सब ट्राई करेंगे भाई, चिंता मत करो। दुख तो भाई सबको हो रहा है, दुख तो हमें भी हो रहा है इसका। बाकी अपने विचार पेश करना कमेंट सेक्शन में, अगर बताना आपको कोई और अच्छी गेम के बारे में पता है तो प्लीज़ बताना भाई। लेकिन मेरे लिए तो दो ही गेम्स हैं अभी, जितना 4G गेम लॉन्च नहीं होती इतना मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूँगा। कॉल ऑफ ड्यूटी भी अच्छी गेम है, वेरी डिसेंट सी गेम है, थोड़े ग्राफिक्स उसके अजीब से हैं, थोड़ी मैकेनिकल टाइप सी गेम है, पर खेलेंगे भाई उसे भी, ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर एक रास्ते बंद तो कई रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन हम 4G गेम तो पक्का खेलूँगा भाई, ट्राई तो करेंगे उसके। तो उसका ऑफिशियल ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा भाई, हमारे देश के जवान इतने शहीद हो रहे हैं चाइना बॉर्डर पर, तो हम उनके लिए एक गेम नहीं इंस्टॉल कर सकते भाई। वो हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, कितनी कीमती होती है एक जान, तो हमारी रक्षा के लिए वो अपनी जान दे सकते हैं। तो हम अपनी उन तो हम उनके लिए भाई एक गेम नहीं डिलीट कर सकते यार। तो क्या है भाई पबजी क्या हुआ, अगर हमने रॉयल पास ले रखा था उसमें ये ले रखा था भाई, कुछ नहीं होता, देश से प्यारा कुछ नहीं है। तो खेलेंगे हम अपनी देश की प्यारी गेम 4G भी खेलेंगे, आ जाने दो उसे। और भाई अगर आपको ये मेरे थोड़े विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना कोई अच्छी सी गेम ट्राई करेंगे उसके। और भाई दुखी मत हो यार, खुशी हो कि हमारा देश ने कुछ नया कदम उठाया है, चाइना के हटाया है चाइना को अपने देश से। भाई चाइना को बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से, और क्या चाहिए, हमारी एनिमी कंट्री को नुकसान ही होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। J'ai baissé la vitre, assuré la mif, j'ai changé de vie, j'ai changé de vie. Y'a rien qui a acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie, tu perds c'est la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.